क्या आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, या आप या आपका कोई करीबी कुछ कठिन दौर से गुजर रहा हो, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा हो, ये वीडियो आपके लिए है। या उन लोगों से शेयर कीजिएगा जिनके ये काम आ सके और इस डिप्रेशन से वो जिंदगी में लड़ रहे हो, गुजर रहे हो। माय नेम इज सुरेश पंचरमानी, को फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर, 42+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 3-time TEDx स्पीकर, ऑथर ऑफ 6 books, इंडियाज ओनली OKR एक्सपर्ट फॉर MSMEs एंड प्रेजिडेंशियल अवार्ड। दोस्तों आज बात करेंगे हाउ टू डील विद डिप्रेशन, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट। ये किताब आप सब ने सुनी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको एक गिफ्ट करना चाहूँगा, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। हंगामा मचा दिया था जब किताब आई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इतनी खूबसूरत किताब और मूवी बनी नहीं आज तक। बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने भी फ़ायदा उठाया। कुछ चीज़ें मुझे इससे बहुत अच्छी मिली जो वाकई में काम आई। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में इसमें से बेस्ट लर्निंग्स और एटलीस्ट 5 लोगों को जो आप समझते हैं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो ये किताब विनर को, एक को कोरियर से हम भेजेंगे, कोरियर का खर्चा हम करेंगे विद माय सिग्नेचर्स। बहुत सालों से मेरे पास थी, दिमाग में बस गई है, बहुत बार पढ़ ली है, तो मुझे लगा कि ये मुझे अब किताब शेयर करनी चाहिए आप जैसे लोगों के साथ। आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। बहुत से लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते, मैं लाइफ कोच भी हूँ, एंड दे गो थ्रू सुसाइडल थॉट्स। पिछले दिनों लास्ट ईयर एक हमारे तजुर्बा के मेंबर थे, बहुत सारे घाटे हो गए, सुसाइड कर लिया। एक और बिजनेस ओनर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसको तो टाइम पे हमें पता लग गया, हम बचा सके। तो ये क्या वजह है, डिप्रेशन क्यों होता है और उससे कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है। रोज़ तकलीफें, मुश्किलें, रुकावटें आती हैं, दीवारें आती हैं, अड़चनें आती हैं। कुछ लोग उन्हें तोड़ देते हैं, कुछ पार कर पाते हैं, कुछ हार मान जाते हैं और डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। तो पहला डिप्रेशन में क्या होता है कि उठ नहीं पाता आदमी, बिस्तर पर पड़ा है तो पड़ा है, शेव नहीं करनी, लोगों से मिलना नहीं, फ़ोन नहीं करना। और जब बहुत डीप हो जाता है तो फिर शायद मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, फिर काउंसलर्स और हमारे जैसे लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाते। तो अर्ली साइंस में इसको पकड़ लेना चाहिए और वहीं पे इसे डील कर लेना चाहिए। तो मैं कुछ आज आपको ऐसे टिप्स दूंगा कि अगर आप उस स्टेज पे हैं, आई एम नॉट ए काउंसलर, आई एम नॉट ए थेरेपिस्ट, लेकिन बहुत से लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूँ, इसलिए आज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हों उनको इससे कुछ मदद मिल जाए। एक मेरे पास सज्जन आए, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, 38 साल की उम्र, किसी दोस्त ने भेजा कि ये डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो मेरे पास आए बड़े अच्छे पर्सनैलिटी वाले नौजवान थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बोले 2 लाख रुपए का महीने का घाटा हो रहा है और PF की लाइबिलिटी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, डिप्रेशन से उठा ही नहीं जाता। मैंने कहा हाथ पाँव सलामत है, हेल्थ ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ है? नहीं 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 सब ठीक है। मैंने कहा थैंक गॉड, हेल्थ इज़ वेल्थ। बीवी से बनती है कोई झगड़ा तो नहीं है, कहीं नुकसान की वजह से आपको तंग कर रही है? बोले नहीं नहीं बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। क्या करती है? सर जॉब करती है। मैंने कहा कितनी सैलरी? बोले 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये बीवी की सैलरी और साहब डिप्रेस है। मकान अपना है? हाँ जी अपना है। तो मैं कहा ये रहा आपका इलाज, पहला तो बिजनेस बंद कीजिए। आप फ्लिपकार्ट नहीं है, घाटे में फ्लिपकार्ट पर अमेजॉन चल सकते हैं, आप ना चल पाओगे भाई, बंद करो इसको भी। 2 लाख जाना तो बंद हो, जो जा रहा है आपका घाटा हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, PF लाइबिलिटी छोड़ेगी नहीं, PF का पैसा भरना ही पड़ेगा, उसमें नॉन अवेलेबल वारंट है। अब बताओ तेरे पास क्या है? ज्वेलरी है? बोले है। कोई प्रॉपर्टी? बोले चंडीगढ़ में पड़ी है 40 लाख की, 35 की इनकी लाइबिलिटी थी। मैं भेज दो प्रॉपर्टी फिर बन जाएगी, इसको निपटाओ नहीं तो ब्याज चढ़ता चलेगा, आज 35 है कल 40 होगी 45 होगी और फिर अरेस्ट कर लेंगे नहीं भरोगे तो इसको सरकारी लाइबिलिटी है भाई, पब्लिक का पैसा है, एम्प्लॉयज़ का पैसा है, उसको भर दो। इस टेंशन मत रखना कि प्रॉपर्टी बेच दे, आप अभी अपनी अपनी जान को सुखी करो। अब आप कोई जॉब ढूंढ लो, बाद में बिजनेस का शौक पूरा कर लेना, पहले 2-3 महीने आराम करो, ये 2 लाख रुपये जो जा रहे हैं इसको बंद करो
और फिर एक जॉब ढूंढ लेना 2-3 लाख रुपए की, 5 लाख वाइफ के आते हैं, 3 लाख आपके आए, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी कुछ साल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का शौक हो तो फिर देखेंगे। तो आए 6 महीने बाद हंसते कूदते नाचते, सर आइए हमारे यहाँ खाने पे आइए, हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया सर, आज जैसा आपने बताया था हमने ठीक कर लिया। तो ये होता है कि पुट द प्रॉब्लम इन प्रॉपर परस्पेक्टिव। हम लोग क्या बात का बतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, प्रॉब्लम होती है इतनी उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। तो प्रॉब्लम जितनी है इतनी है तो उसको इतना ही देखो यार, इतनी है तो उसको उस हिसाब से डील करेंगे, बड़ी है बड़ी समझ के डील करेंगे, लेकिन छोटी को तो बड़ी मत बनाओ यार। और बड़ी भी है तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम। कागज उठाइए, 2 लकीरें मारिए, एक छोटी लकीर उस पर लिखिए प्रॉब्लम, एक बड़ी लकीर उस पर लिखिए मैं। अब आप बड़े हो गए कि नहीं प्रॉब्लम से। एडमंड हिलेरी 13 बार मार खा के माउंट एवरेस्ट पर न चढ़ पाए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया उनका कोट है, यू कैन नॉट ग्रो बिगर देन 29,000 फीट माउंट एवरेस्ट। आप 29,000 फीट से बड़े नहीं हो सकते, आपका कद फिक्स है। एज ए ह्यूमन आई कैन बिकम बिगर देन यू, एंड वन डे आई कम एंड कॉन्क्वायर यू। 14वीं बार में वो सक्सेसफुल हुए। सो ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, हमेशा लिख के रखिए आई एम बिगर देन माई प्रॉब्लम। छोटी लाइन बड़ी लाइन, पुट द प्रॉब्लम इन प्रॉपर परस्पेक्टिव। एक रूटीन से अपने को कमिट कीजिए, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए या कोई ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां वो 7 बजे ग्रुप एक्सरसाइज करता हो। तो क्या होगा कि अब आपका कमिटमेंट है ग्रुप को। देखिए आपने कभी कोई फ्लाइट मिस नहीं की होगी जिंदगी में, बहुत कम लोग फ्लाइट मिस करते हैं क्योंकि ट्रैफिक भी हो, अंधेरा भी हो, फॉग भी हो, ठंड भी हो, पहुंच जाता है आदमी। इंटरनेशनल फ्लाइट तो 3 बजे 4 बजे चलती, 5 बजे चलती, वो भी मिस नहीं होती। तो ऐसी कोई कमिटमेंट, एक ऐसा एक रूटीन बांध लो जो आपको बिजी कर दे, और एक्सरसाइज जरूर करो। क्या एक्सरसाइज में जो आपके बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, ये केमिकल लोचा है, डिप्रेशन जो है ये केमिकल लोचा है, तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, वो डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट एंटीडोट ऑफ डिप्रेशन। तो अपने आप को कुछ भी हो जाए ये आपने कमिट कर लेना है एक्सरसाइज को, मैं 1 घंटा वॉक करूंगा। म्यूजिक लगाइए, अपना फोन से म्यूजिक लगाइए, म्यूजिक सुनते जो आपका फेवरेट म्यूजिक है, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, ट्रेडमिल पे चलिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए एक्सरसाइज का, वो लोग आपको इंस्पायर करेंगे। नेटवर्क और कम्युनिटी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बी सोशल, पार्टियां करिए, पार्टियों में जाइए, नेवर ईट अलोन, किसी ना किसी को खाने बुलाइए, खाने पर जाइए। जितना बड़ा आपका सोशल सर्किल होगा, डिप्रेशन आपको तो क्या आपके पड़ोसियों को भी नहीं होगा। नेटवर्क ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, हमारे तजुर्बा में आइए, बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है, सब बड़ा एक दूसरे को, हम लोग हर महीने सोशल करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टियां करते हैं, डांस करते हैं कई कई घंटे। डिप्रेशन कहाँ से आएगा, आने वाला ही नहीं है। एक हैप्पी पर्सन के बाद डिप्रेशन कहाँ से आएगा। तो आप जब अपने आप को सराउंड करेंगे हैप्पी लोगों से, विल बी हैप्पी, डिप्रेशन विल नॉट कम नियर यू। स्लीप डिप्राइव मत रखिए अपने को, और हेल्दी डाइट रखिए। डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। और डोंट गेट इंडल्ज इन स्मोकिंग एंड सिगरेट एंड ड्रग्स, वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएंगे बॉडी में, कहीं ना कहीं फिर केमिकल लोचा होगा। सो व्हेन यू ईटिंग हेल्दी, आपका शरीर सोच हमेशा एक्टिविटी बनी रहेगी। कुछ अच्छे सप्लीमेंट आते हैं, जैसे ओमेगा 3 फिश ऑयल आता है, फॉलिक एसिड आता है, अपने डॉक्टर से सलाह करके वो लीजिए। विटामिन और सप्लीमेंट बड़ी एनर्जी बनाए रखते हैं, उनका बड़ा रोल है, मैं बहुत लेता हूँ। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे अश्वगंधा, बहुत अच्छी चीज़ है, माइंड को काम रखती है, प्रूवन हर्ब है, उसमें तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, सुबह रोज एक अश्वगंधा ले लीजिए, एक शाम को ले लीजिए, फिर देखिए कि आपका कैसा हमेशा मूड अच्छा सा बना रहेगा, एक एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ये लफड़े जो हो रहे हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ बॉडी केमिकल्स का लेना देना है, कुछ गड़बड़ हो जाती है हार्मोन्स में इधर उधर, उसकी वजह से माइंड पे भी इफेक्ट हो जाता है। कुछ सिचुएशन जो होता है, कुछ अंदर का केमिकल लोचा भी होता है। एंटरटेनमेंट से दूर मत भागिए, कीप योरसेल्फ एंटरटेन, अच्छी मूवीज देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए, मेरे वीडियो देखिए, कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाता हूँ। एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडियंस के बड़े सारे वीडियो में, कई बार रात को एक कॉमेडी वीडियो जरूर देख के सोता हूँ, तो मन खुश रहता है, 4 बार हंस लेते हैं, किसी को फ़ोन किया अच्छा उससे मस्ती कर ली। तो इस तरीके से अपने को एंटरटेन रखिए। वेकेशन जरूर लीजिए, पहाड़ों पे जाइए, समंदर के पास जाइए, पानी की आवाज़ में ऋषिकेश जाता हूँ, गंगा किनारे बैठो, कितनी पानी की, आँख बंद करके बैठ जाइए, 1 घंटा पानी की आवाज़ आती रहेगी,
समुंदर पे मैं घंटों घंटों देखता रहता हूँ, बॉम्बे गोवा जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लहरें आ रही लहरें आ रही लहरें आ रही। गो टू नेचर, जंगल, कॉर्बेट पार्क, इधर उधर पहाड़ों में, पेड़ों के आसपास। नेचर आपकी नेगेटिविटी ले लेती है, गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, वेकेशंस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी लाइफ में। हर छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट कीजिए। जैक वेल्स CEO जी के कहा करते थे, मैं बहुत जूनियर पोजीशन में आया था कंपनी में, लेकिन हर एक प्रमोशन को हम सेलिब्रेट करते थे। शैंपेन आती थी, खाना आता था, केक कटता था, और वो इतनी बड़ी कंपनी की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO बन गए। सो व्हेन यू सेलिब्रेट एवरी विन, एक तो खुशी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, एंड देन यू अट्रैक्ट मोर विन्स इन लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो यू अट्रैक्ट मोर विन्स, सो सेलिब्रेट एवरी विन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं जब तक होप है क्लिनिकली कोई डिप्रेस नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू कमिट सुसाइड और हैव डिप्रेशन इफ यू हैव होप। तो अपनी जिंदगी में ये होप का जो बल्ब है उसको जला के रखिए हमेशा। हर रोज सोएं तो ये सोच के सोइए कि कल का दिन आज से अच्छा होगा। हर सुबह उठें, आज का दिन कल से अच्छा होगा, ऐसी होप के साथ अगर दिन शुरू करेंगे तो डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से, जो इस वीडियो में आपको अच्छी बातें, बेस्ट लर्निंग, कमेंट बॉक्स में डालिए। 5 उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता हो, टफ टाइम से गुजर रहे हो। और ये किताब मैं साइन करके आपके पास कोरियर से पहुँचा दूँगा। कोरियर का बिल हम भरेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।